हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वीटी बढ़ालिया एंड वेलकम टू SB एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो CFSE की मैग्नीट्यूड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग पढ़ ली है कि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है या फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो किस तरीके से लिगेंड के अप्रोच करने की वजह से जो डी ऑर्बिटल पहले डी जनरेट थे जिनकी एनर्जी एक समान थी उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे स्प्लिटिंग का मैग्नीट्यूड अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE या फिर डेल्टा, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर हमारा आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब देखो, हमने इस चैप्टर में बहुत सारे वैरायटी देखे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हुए कि मेटल अलग है, लिगेंड अलग है, बहुत सारी वैरायटी हम लोगों ने देखी। हम लोगों ने नॉमनक्लेचर भी सीखा और हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी सीखा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि सेम मेटल भी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है और डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई मेटल है, उस पे चार्ज है +1, कोई दूसरा मेटल है उस पे चार्ज है +2 और कोई तीसरा मेटल है उस पे चार्ज है +1। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की पोस्टुलेट्स को याद करो, उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि मेटल को और लीगेंड को हम पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। मेटल हमारा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है और लीगेंड हमारा नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता है। मतलब लीगेंड नेगेटिव है, मेटल पॉजिटिव है और लीगेंड पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। हमने स्प्लिटिंग में ये पढ़ा कि नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में मेटल के सारे ऑर्बिटल की एनर्जी एक समान होती है, सारे के सारे क्या होते हैं, डीजेनरेट। जैसे ही लिगेंड आता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्सपीरियंस करने लगता है और थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, पर्टर्ब्ड स्टेट में पहुंच जाते हैं। फिर लिगेंड जैसे ही मेटल को अप्रोच कर जाता है तो लिगेंड और मेटल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है और उसके बाद जिन ऑर्बिटल को वो पहले अप्रोच करता है, रिपल्शन कर देता है या रिपेल करता है, उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और जिनको अप्रोच नहीं करता उनकी कम हो जाती है। इतनी स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी थी। अब आप खुद बताओ, एक मेटल है जिस पे प्लस चार्ज है, एक मेटल है जिस पे +2 चार्ज है, एक मेटल है जिस पे +3 चार्ज है। +3 का मतलब या फिर प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब कि उस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस कब आता है, जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इलेक्ट्रॉन कम किए ना उसने, तो जितने कम करता है उतना ही अपने ऊपर प्लस चार्ज ले लेता है। तो प्लस का मतलब क्या है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जितना ज़्यादा प्लस होगा इट मीन्स इतनी ही उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी है, या फिर आप ये कह सकते हो कि उतनी ही जल्दी लिगेंड जो कि नेगेटिव चार्ज है वो उसको अप्रोच करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और जितनी जल्दी वो मेटल को अप्रोच करेगा उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग। क्लियर है, ये चीज़ तो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि स्ट्रांग लीगेंड ज़्यादा स्प्लिटिंग कराता है, वीक लीगेंड कम स्प्लिटिंग कराता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है
मेटल यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ेगा मेटल के पास उतनी इलेक्ट्रॉन की कमी होती जा रही है, तो लिगेंड उतनी ही जल्दी जो है स्पीड से अप्रोच करेगा कि मैं मेटल को इलेक्ट्रॉन दूँ और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड को बना दूँ। क्लियर है? ठीक है, तो पहले फैक्टर में हम लोगों ने क्या चीज़ समझी कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है CFSA की वैल्यू जो है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, स्टेटमेंट आप खुद भी बना के लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा क्या, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर नंबर ऑफ मेटल कैटायन बट द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट। क्या मतलब है इस बात का? मैंने कोई दो अलग अलग एलिमेंट्स पकड़ लिए, ठीक है, उन एलिमेंट्स का लिगेंड भी सेम है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है कोबाल्ट, 6 वाटर के लिगेंड आ गए, ठीक है, और इन्होंने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाया ये। सिमिलरली निकल के साथ भी वाटर ने कॉम्प्लेक्स बनाया इस तरीके से। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, इसका भी प्लस टू आएगा और इसका भी प्लस टू आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, जिसका भी निकालना है उसे आप क्या करेंगे, एक्स मानेंगे। ठीक है, जैसे मान लो इसका है एक्स माना। वाटर कितने बार है यहाँ पे, कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स। वाटर पे चार्ज जीरो इक्वल टू प्लस टू। सेम चीज़ इसके लिए होगी, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू आया और यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू आया। क्लियर है? तो मैं आपको इस एग्जांपल से क्या समझाना चाहती हूँ, मेटल अलग अलग है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर, लिगेंड भी सेम है, क्या इससे अब CFSA की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? सोचिए, थिंक, वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता है, 27। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d7 4s2। यहाँ पे कोबाल्ट प्लस टू के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस आर्गन 3d7। निकल की बात करते हैं, निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 28। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d8 4s2। और निकल भी प्लस टू का फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d8। ध्यान से देखिए, कोबाल्ट 2 प्लस में d7 है और निकल 2 प्लस में d8 है। इससे पिछले फैक्टर में मैंने आपको एक लाइन बताई थी, एक बात समझाने की कोशिश की थी कि जितने इलेक्ट्रॉन कम होते हैं या जितना चार्ज ज़्यादा होता है या मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की जितनी ज़्यादा कमी होती है, लिगेंड उतनी ही जल्दी उसको अप्रोच करता है। क्लियर है? अगर मेटल के पास, उल्टा पढ़ रहे हैं आप, अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा का मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी जो है वो कम है, इसके पास तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास कमी कम है, इसके पास डी इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा है। टोटली फुल्ली फिल्ड के लिए कितना होना चाहिए, डी में 10 ना, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, लिगेंड पहले किसको अप्रोच करेगा, या फिर अप्रोच तो दोनों को ही करेगा, या फिर जल्दी किसको करेगा, जहां पे कमी ज़्यादा है वहां पे, या जहां पर कमी कम है वहां पर। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे कमी ज़्यादा है, समझ रहे हो? ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में ज़्यादा हो जाते हैं तो वो लिगेंड को पास नहीं आने देता, क्योंकि उसके पास इतनी कमी नहीं है, पहली चीज।
दूसरी चीज़ आप इसमें ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो कि जितने ज़्यादा डी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डी के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में उतना ही ज़्यादा रिपल्शन भी होगा। तो लिगेंड कहाँ रहेगा, थोड़ा सा दूर दूर रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसीलिए जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसके सीएफएससी की वैल्यू ज़्यादा पाई जाती है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं सॉरी जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसके सीएफएससी की वैल्यू कम पाई जाती है। अगर आप कोबाल्ट के सीएफएससी की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू पाई जाती है 9200 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी पाई जाती है 8500 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो सीएफएससी की जो वैल्यू है वो किससे अफेक्ट हो रही है, वो इससे अफेक्ट हो रही है कि डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले में हम लोगों ने ये देखा कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो क्या फर्क पड़ेगा डेल्टा पे। सेकेंड फैक्टर में हम लोगों ने ये देखा कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं आपको ऐसी सिचुएशन दूं कि ध्यान से सुनिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम हो और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन भी सेम हो तो क्या होगा। पहले केस में तो हमने ये पढ़ा, इससे पहले वाले केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डी इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग हो, D7 D8 का केस डिस्कस किया था। मान लीजिए डी इलेक्ट्रॉन भी सेम है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है तो भी सीएफएससी एक जैसी आएगी या अलग अलग आएगी, तो क्या लगता है आपको। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड फैक्टर में, जो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल केटायन। अब आप लोग सोचिए कि कौन सा केस है जब एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर सेम होते हैं, जब वो सेम ग्रुप में लाए करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया कोबाल्ट का, कोबाल्ट ने अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना रखा है। इस कोबाल्ट के नीचे क्या आता है, रोडियम, सेम ग्रुप यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। रोडियम के नीचे आता है इरिडियम, ये भी सेम ग्रुप का है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, सेम ग्रुप के हैं। अब लीगेंड भी सेम है, अमोनिया न्यूट्रल लीगेंड है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इधर भी +3, इधर भी +3 और इधर भी +3। प्लस तो आपको पता ही है ये शो करता है, तो मैं यहाँ रोमन में लिख रही हूँ। ठीक है, तो अब हम ऐसी सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन भी सेम है। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन तो आएंगे सेम, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। ठीक है, कोबाल्ट जो है वो 3D का होता है, रोडियम जो है वो 4D सीरीज का होता है, और इरिडियम जो है वो 5D सीरीज का होता है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि जब हम 3D से 4D में जाते हैं और 4D से 5D में जाते हैं तो CFSC की वैल्यू यानी कि डेल्टा की वैल्यू 30 से 50% हमें इंक्रीज होते हुए दिखाई देती है। 3D से 4D में जाएंगे 30 to 50% बढ़ जाएगी, फिर 4D से 5D में जाएंगे 30 से 50% और बढ़ जाएगी। तो ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से 30 से 50% डेल्टा की वैल्यू बढ़ती हुई पाई जाती है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं एक ग्रुप में, जनरली जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता है। क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता है। 3D के नीचे क्या है, 4D आता है, 4D के नीचे क्या आता है, 5D आता है, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं दो चीजें बताऊंगी। पहली चीज देखो क्या है, ऊपर से नीचे आने पर जब हम नीचे गए टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है।
अगर साइज बढ़ रहा है, इट मीन्स उसका क्या बढ़ रहा है? वॉल्यूम. अगर साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज, तो ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा. अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है. ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है. अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए. आप कहोगे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मैडम एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं. बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज हो गई. हम लिख देते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, बोलते टाइम बोल देते हैं, बट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस का क्या है? कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूज्ड है, फैली हुई है. 3D का साइज छोटा है, 4D का उससे बड़ा है, 5D का उससे बड़ा है. जितना ज़्यादा स्पेस होगा इलेक्ट्रॉन्स उतने ही दूर 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 फैल जाएंगे. जितना साइज छोटा होता है इलेक्ट्रॉन्स एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा ज़्यादा है. साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हैं, तितर बितर फैले हुए हैं क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफ्यूजेज है, फैली हुई है, तो इतना इफेक्ट नहीं लगाती वो अपना. तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस. अगर आप बुक में देखोगे तो आपको वर्ड मिलेगा डिक्रीजेस, बट आप साइड में लिख लीजिए डिफ्यूज्ड, फैली हुई रहती है. इतनी बात क्लियर है. अब अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा रहेंगे, इकट्ठा ज्यादा रहेंगे मेटल के, लिगेंड जैसे ही आएगा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन करेंगे. एकता में ही शक्ति है, सुना है ना? तो अगर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह रहेंगे, एक साथ रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेंगे. 10 भाई थे, 10 के 10 भाई जुड़ गए, पीक गई, लिगेंड आएगा उसको भगाएंगे. क्लियर है? ठीक है. अब अगर साइज बढ़ गया, डी ऑर्बिटल्स ज़्यादा हैं, बड़े बड़े साइज के आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं, एक भाई वहाँ है, दूसरा वहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, लिगेंड आ रहा है. अब इलेक्ट्रॉन्स तो दूर 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 फैल गए, तो अब क्या होगा? जब लिगेंड आएगा तो स्प्लिटिंग कराने के लिए, मतलब ज़्यादा स्प्लिटिंग करा देगा उसकी. क्लियर है इतनी बात? ठीक है. तो पहली चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ी कि अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ती है, डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूर दूर फैल जाते हैं, डिफ्यूज्ड हो जाते हैं. ठीक है. और लिगेंड ज़्यादा स्प्लिटिंग करा देता है. क्लियर है. दूसरा देखिए फैक्टर क्या है कि आप इसको इस तरीके से, दूसरे पॉइंट को भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितना बड़ा साइज होता है, जितना बड़ा साइज होगा, बड़ा साइज मतलब इसकी बात कर रही हूँ मैं, 3D से 4D में आए, 4D से 5D में आए, तो साइज बड़ा हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है. वॉल्यूम का मतलब क्या है? स्पेस, ज़्यादा जगह मिल रही है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर तक हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो कम है, भीड़ भाड़ जो है वो कम है. जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जहाँ पे क्या होता है, भिच्चम भिच्चा, स्पेस कम है और सब इधर उधर कम स्पेस में फंसे हुए हैं, तो वो रिपेल करते हैं. जब स्पेस ज़्यादा होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वो दूर दूर है, तो एक दूसरे को रिपेल भी नहीं करते. ठीक है. तो स्टेरिक हिंड्रेंस की जो वैल्यू है वो क्या पाई जाती है वहाँ पे? कम. इसकी वजह से भी स्प्लिटिंग जो है वो ज़्यादा होती है. ठीक है. आप यहाँ पे लिख लीजिए, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड लार्जर मेटल किटायन, अराउंड लार्जर मेटल किटायन. ठीक है. आप लोग इन कॉम्प्लेक्सेस के CFSC की वैल्यू भी नोट कर लीजिए.
रटने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको आइडिया के लिए कि आपके पास नोट्स में वैल्यू रहे और पढ़ते टाइम आप देखो कि हाँ कोबाल्ट के केस में इतनी आई वैल्यू, रोडियम के केस में इतनी आई और इरिडियम के केस में इतनी आई। ठीक है, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है नेचर ऑफ लीगेंड्स। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्या कि जो स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स होते हैं वो क्या कराते हैं, मोर स्प्लिटिंग, ज़्यादा स्प्लिटिंग कराएंगे, और जो वीक लीगेंड्स होते हैं वो क्या कराते हैं, वो कराते हैं लेस स्प्लिटिंग। अब कौन स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है और कौन वीक लीगेंड होता है, इसके बारे में हमें कौन बताता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसने अरेंज कर रखा है लीगेंड्स को एक ऑर्डर में। ठीक है, तो क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली है तो मैं दोबारा से नहीं लिख रही हूँ, आप बस इतना ही लिख लीजिए कि नेचर ऑफ लीगेंड पे कैसे डिपेंड करता है, कि अगर स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो ज़्यादा स्प्लिटिंग कराएगा और अगर वीक लीगेंड है तो लेस स्प्लिटिंग कराएगा। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा नंबर ऑफ लीगेंड्स। नंबर ऑफ लीगेंड से भी स्प्लिटिंग पे काफ़ी फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर आप देखो तो टेट्राहेड्रल्स जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें स्प्लिटिंग कम होती है, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उनमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। अगर हम टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की बात करें तो ये 50% होता है बेटा, किसका, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का। जितने ज़्यादा लीगेंड्स होंगे उतनी ज़्यादा वो स्प्लिटिंग कराएंगे, और जितने कम लीगेंड्स होंगे उतनी ही स्प्लिटिंग हमारी कम होती है। ठीक है, तो ये क्या है, डेल्टा टी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। अब देखिए, पहले हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा, फिर हमने देखा कि उस थ्योरी में कुछ कमियां थी, उसके बाद सीएफटी आई और सीएफटी के अंदर भी काफ़ी कमियां थी। हाँ, वीबीटी की बहुत सारी कमियों को, लिमिटेशन को इसने ओवरकम किया, बट स्टिल इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो अब हम लोग उन ड्रॉबैक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है या लिमिटेशन इसकी क्या है, इट डज नॉट कंसीडर एस एंड पी ऑर्बिटल्स। देखो, हमने सीएफटी पूरे खत्म कर ली, हमने स्प्लिटिंग पढ़ी, बट अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो, पास्ट में जाओ, पीछे जाओ, तो आप नोटिस करोगे कि हम स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल की पढ़ते जा रहे हैं। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, उनमें भी तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको तो हम बिल्कुल ही भूले बैठे हैं कि भाई कहाँ है, मतलब एस और पी की हमने कुछ बात ही नहीं की। चलो मान लो उनमें इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, बट फिर भी क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़ीरो होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों होगा। तो इन सब बातों का आंसर देने पर सीएफटी जो है नाकाम हो गई, उसके पास कोई आंसर नहीं था कि भाई क्यों एस और पी के बारे में हम बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, डी इलेक्ट्रॉन्स, ऑल थिंग्स आर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट डी इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली लिमिटेशन इसकी क्या थी कि इसने एस और पी ऑर्बिटल को कंसीडर ही नहीं किया। दूसरी लिमिटेशन की बात करते हैं, इसने ये कहा कि मेटल और लीगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक है। इसने क्या कहा कि मेटल और लीगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक है। क्या कभी कोई बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट होता है? द आंसर इज नो।
जब आप क्वांटम पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि अगर कोई आयनिक बॉन्ड है, अगर कोई आयनिक बॉन्ड है, स्टिल आयनिक बॉन्ड होने के बाद भी उसके अंदर कुछ परसेंट कोवेलेंट करेक्टर होता है। अगर कोई बॉन्ड कोवेलेंट है तो स्टिल कोवेलेंट होने के बाद भी उसमें कुछ आयनिक करेक्टर होता है। कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता। और सीएफटी ने तो करार कर दिया कि भाई मेटल लिगेंड बॉन्ड इज 100% आयनिक। सीएफटी इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कोवेलेंट करेक्टर। तो ये भी क्या है, ये इसके लिमिटेशंस में गिना जाता है। ठीक है, तो लिमिटेशन लिखिए, इट डज नॉट कंसीडर, या ऐसे लिखो, इट कंसीडर द मेटल लिगेंड बॉन्ड प्योरली आयनिक एंड इग्नोर्ड द कोवेलेंट करेक्टर। कोवेलेंट करेक्टर को क्या मार दिया, इग्नोर। ठीक है, कि भैया हम नहीं देखेंगे, इग्नोर मार दिया, हम नहीं देखेंगे, मेटल लिगेंड बॉन्ड तो 100% आयनिक है। अच्छा चलो, अब एक पल को मान भी लेते हैं कि मेटल लिगेंड बॉन्ड चलो 100% आयनिक है, हमने मान लिया कि ठीक है सीएफटी सही कह रहा है, मेटल लिगेंड बॉन्ड आयनिक है। अब इसी के बात में से देखो एक और कमी निकालते हैं। इसने कहा मेटल लिगेंड बॉन्ड आयनिक है और मेटल को प्लस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मानेंगे, नेगेटिव को माइनस, लिगेंड को क्या मानेंगे, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। अगर मेटल और लिगेंड के बीच में प्योरली आयनिक बॉन्ड है तो क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो कि हैलोजन होते हैं वो तुम्हारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पीछे पड़े हैं। अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखो कॉपी में पेज पलट के, तो आपको पता चलेगा कि जो हैलोजन्स हैं वो तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सबसे लास्ट में पड़े हैं, जबकि वो तो एनायनिक लिगेंड्स होते हैं, वो तो बहुत अच्छे खासे अमाउंट में इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। फिर क्यों वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पीछे पड़े हुए, उन्हें तो सबसे आगे होना चाहिए, उन्हें तो सबसे आगे होना चाहिए। और एक और देखो बात, तुम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आगे में जाओ तो तुमको नाइट्रोसिल, कार्बोनिल ये मिलेंगे जो कि न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं। न्यूट्रल लिगेंड्स ही तो है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ये आगे है। और जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है फ्लोरीन एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, वो पीछे पड़े हैं। तो क्या हो रहा है ये, तो सी एफ टी इस बात का जवाब देने में भी सक्षम नहीं थी, तो ये भी इसके ड्रॉबैक में गिना जाने लगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिखिए, ऑल दो इट कंसिडर्ड द लिगेंड्स नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, स्टिल एनायनिक लिगेंड्स वर एट द एंड ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है भाई, सोचने वाली बात है ना, कि चलो ठीक है, ठीक है हम तुम्हारी बात पे विश्वास कर लेते हैं कि भाई मेटल लिगेंड बॉन्ड प्योरली आयनिक है, और हम तुम्हारी इस बात पे भी विश्वास कर रहे हैं कि मेटल पॉजिटिव चार्ज का होता है, लिगेंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज मानना है। ठीक है, तो उसको तो भैया अच्छी स्प्लिटिंग करानी चाहिए, मेटल लिगेंड बॉन्ड की अच्छी स्प्लिटिंग हो, मतलब बॉन्ड बन रहा है और मतलब कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल हो रहा है, तो क्यों तुम्हारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एनायनिक लिगेंड्स आगे हैं और जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं वो मतलब आगे हैं और जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं वो पीछे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो सीएफटी इस बात का भी जवाब नहीं दे पाई, तो ये भी सीएफटी की कमियों में गिना जाने लगा। अब देखिए फोर्थ लिमिटेशन ये थी
इसी से ही हम लोग यहीं से मैं जनरेट कर रही हूँ कि भाई देखो, इसने कहा कि मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड आयनिक है। बॉन्ड क्या है? आयनिक। आयनिक बॉन्ड किस में होता है? जब चार्जेज हो प्लस माइनस। तो अगर आपके जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं वो कैसे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं भाई, कैसे बना रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने देखो इस कॉम्प्लेक्स का नाम सुना होगा, ये आपने किया भी होगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल। तो ये कार्बोनिल तो न्यूट्रल होता है, ये अगर न्यूट्रल है तो मेटल के और इसके बीच में तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, और अगर अट्रैक्शन ही नहीं है या इंटरेक्शन ही नहीं है तो कैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है, बताओ हाउ? तो इस बात का जवाब भी सीएफटी नहीं दे पाई। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए खुद से कि भाई एज सीएफटी कंसिडर्ड दैट थिंग कि मेटल एंड लिगेंड फॉर्म्स अ आयनिक कंपाउंड, देन स्टिल इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन विद द न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, तो ऐसे करके आप लाइन बना के लिख लीजिए, इसको खुद से लिख लीजिए। ठीक है, लास्ट फिफ्थ, सीएफटी से जब पूछा गया कि भाई लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड्स का आप रिलेटिव स्ट्रेंथ एक्सप्लेन करो, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन, कि भैया इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा क्यों है, इसकी स्ट्रेंथ कम क्यों है। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अरेंज हो गया, एक्सप्लेन तो करो कैसे, किस चीज़ को देख के आपने कार्बोनिल को आगे रखा है और किस चीज़ को देख के आपने हैलोजन्स को पीछे रखा है, एक्सप्लेन करिए। तो इस चीज़ को भी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो नहीं बता पाया। ठीक है, तो लिख लीजिए, इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन unable to explain the relative strength of ligands in spectrochemical series ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां तक हम लोगों ने लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को खत्म कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।